कांग्रेस नेता महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी अपने पैतृक आवास गोपालगंज पहुंचे हैं, जहां पे युवाओं से मुलाकात की और साफ तौर पे क्रिकेट को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बाबा सिद्दीकी ने कही है और कहा है कि यहां के युवाओं में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन कमी संसाधन की हो जाती है, जिस वजह से युवा जो है वो गुमनाम रह जाते हैं। और क्या कुछ कहा है बाबा सिद्दीकी ने वो आप सुने। मेरे वालिद साहब की जन्मभूमि है ये मांझा, तो वो हिसाब से यहाँ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बच्चों के लिए एक क्लासरूम बोल सकते हो, एक इंस्टीट्यूट हमने शुरू किया है, उसका इनॉग्रेशन के लिए आए और उसमें कुछ 200-250 बच्चे होंगे और ये कोशिश रहेगी कि ये इस तरह की इंस्टीट्यूट अलग अलग ज़िलों में जैसा जैसा लोगों का मांग बढ़ेगी, हम ये कोशिश करेंगे कि अलग अलग ज़िले में वालिद साहब के ट्रस्ट के नाम से खोले। और जब आए तो कुमार साहब ने कहा कि बिहार में भी टैलेंट बहुत है पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और सुन के बड़ी खुशी हुई कि इस ज़मीन का बच्चा IPL में भी है आज, और एक बच्चा है अभी मिला है, क्या नाम, साकिद, साकिद और सचिन, साकिद ने लगता फास्ट बॉलर हो ना, सचिन ऑलराउंडर है, तो टैलेंट की कमी नहीं है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमने ये सोचा है कि एक जोनल टूर्नामेंट बिहार में अच्छे मतलब क्योंकि गर्मी का मौसम है, बीच में हमने सोचा था कि जनवरी फरवरी में करें, मगर क्या था कि कोविड आ गया था और रिस्ट्रिक्शंस बहुत था, तो वी हैव थॉट दैट वी विल डू दिस टूर्नामेंट मे बी इन ड्यू कोर्स, अगर गर्मी में हो तो गर्मी में, मई में या फिर बरसात के बाद, मगर कुमार साहब से बात चली है, रॉबिन है, यशवंत है, टुन्ना बाबा है, सभी लोग क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, सो दैट इज़ द रीज़न मुझे स्पोर्ट्स से, आई प्ले फुटबॉल, आई स्टिल प्ले क्रिकेट, सो आई हैव गॉट दैट लव फॉर दैट। तो एक जोनल टूर्नामेंट बिहार में मतलब लोग, और उसको एक ईयरली या 2-3 ईयरली एक बार, जिस तरह भी जैसा इसमें यश मिलेगा और लोगों को इससे टैलेंट उभरेगा तो ये कोशिश रहेगी। तो आज उस माध्यम से हम आज मिलने आए थे, बच्चों को मिल के बड़ी खुशी हुई।